नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं। अक्सर आपने देखा है कि खबर आजकल हमेशा से कुछ अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में आज एक अच्छी जानकारी लेकर हम आप सभी के साथ जुड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि माटीगरा के आसपास एक मातृछाया एक सेवा सदन है जहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए एक नई शुरुआत की जा रही है, जिसका भूमि पूजन 16 फरवरी यानी कि सरस्वती पूजा एक अच्छे दिन के दिन किया जाएगा। लेकिन इस शुरुआत के पीछे की जो तैयारी थी, जो आरंभ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने वर्तमान जीवन में जितना व्यस्त होते जा रहे हैं, जितना बिजी होते जा रहे हैं, उतना ही हम अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। हमारी ज़रूरतें इतनी बड़ी हो गई है कि हम सब कुछ भुलाकर हम कुछ कीमती चीज़ों को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। और आप सभी जानते हैं कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मूल्यवान चीज़ है वो है आपका समय और आपका परिवार के साथ। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपके अपनों का साथ छूटता जाता है। ऐसे में आप पैसे और अपनी भविष्य की चिंता के लिए आप लगातार दौड़ते हैं और कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को बिता रहे हैं, और आप वापस से उसी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जिस पड़ाव पर आपके अपने आप से छूट रहे हैं, और वापस से वही चीज़ नॉर्मल आपके साथ भी होती है। कुछ इन्हीं चीज़ों को गहराई से जानते हुए, गहराई से सोचते हुए, गहराई से महसूस करते हुए कुछ विकल्पों में किसी ने लाया है, तो वो है हमारी सरोजना जी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं, हमारे बंगाल राज्य में हैं, उत्तर बंगाल में हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर से आकर सिलीगुड़ी में सरोजना मैडम ने कुछ नया करने का प्रयास किया है। और इस प्रयास के पीछे अभी नहीं बल्कि पिछले काफ़ी लंबे समय से उन्होंने प्रयास किया है, तो उनसे ही जानते हैं बाकी चीज़ों की तैयारी उनने कब की और कैसे क्या कुछ वो कर रही हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर आजकल में। थैंक यू। अच्छा मैम, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं आप कहाँ से हैं, किस तरीके से अपने कार्य को निभा रहे हैं। देखिए, शादी होके जब ससुराल में आई तो सिलीगुड़ी मेरी ससुराल है, तो कहने का मतलब माँ बाप ने मेरा कर्म कार्य क्षेत्र सिलीगुड़ी ही चुना और मुझे यहाँ भेजा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दिल्ली में बिजनेस शुरू किया, तो मुझे उनके साथ दिल्ली जाते हुए बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मुझे लगा मेरा ससुराल, मेरे संबंधी तो सब यहीं छूट गए। लेकिन चलिए, अब बहुत साल बाद, जीवन के 50 साल बहुत अच्छे से दिल्ली में व्यतीत करने के बाद वापस मुझे सिलीगुड़ी का आकर्षण खींच लाया। और दिल करता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मन में आता है कि समाज ने जो कुछ दिया वो वापस लौटाने का वक्त आ गया है जी। और ये लौटाएंगे तो वहीं जहाँ से हमने पाया जी। तो प्रेम, संबंध, व्यवहार, ये तो सब मुझे सिलीगुड़ी से ही मिला, क्योंकि यही मेरी ससुराल है। तो लगता है वापस इनको देना तो चाहिए ना, तो देंगे हम किस रूप में? देने का रूप यही होता है कि जो यहाँ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की समाज को ज़रूरत है, हमें उसको पूरा करना चाहिए। पहले, आज से मुझे याद आता है, 30 साल पहले मेरे पास प्रोजेक्ट आया था ओल्ड एज होम के लिए और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा इन बुज़ुर्गों की गोद में तो हमारे बच्चे खेलने चाहिए, तो ये परिवार से दूर कैसे जा सकते हैं? लेकिन आज को देखते हुए लगता है कि समाज की सबसे बड़ी समस्या इन बुज़ुर्गों के साथ हो गई है, क्योंकि कई बार तो मजबूरी बस बच्चे चले जाते हैं विदेश या मेट्रो सिटीज़ में जॉब के लिए, तो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले रह जाते हैं, और कई बार आपस में बनती भी नहीं है, एक रीज़न वो भी हो जाता है। एक रीज़न होता है भाई भाई में नहीं पटता खाती है, तो उसका भी एक पारिवारिक कई तरह की समस्या रहती है जिसकी वजह से घर पे से दूरी बन जाती है, ना चाहते हुए भी बन जाती है, और कई बार चाह के भी बन जाती है, बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हमने एक बुज़ुर्ग लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की, जो कि मिडिल क्लास के होंगे, और उनको इस आवास में एसी, टीवी, सब तरह की सुविधा मिलेगी, और अटैच बाथरूम भी होगा, नीचे लाइब्रेरी भी होगी, डाइनिंग हॉल भी होगा, उनको हफ्ते में एक बार मेडिकल सेवा भी मुहैया कराई जाएगी, डॉक्टर आके सारे चेकअप करेंगे। तो कहने का मतलब है परिवार से दूर, लेकिन वो उनका अपना परिवार होगा जहाँ से कोई उनको हटा नहीं सकता है जी। हमारी चेष्टा यही रहेगी, जो एक बार इस आनंद मंगल में आ गया, आनंद वर्षा में। मैम, जो आपकी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा, क्या नाम दिया आपने,
हमने इस प्रोजेक्ट का नाम आनंद वर्षा, इसके पीछे की क्या वजह, आनंद वर्षा एक नाम आपने दिया, कुछ सोच कर दिया होगा, क्या सोच के? यही कि यहाँ जो लोग रहें उनके ऊपर आनंद की हमेशा वर्षा होती रहे, वो हमेशा खुशियों से भींगते रहें, कभी उदास ना हो, उसके लिए समय समय पर हम आके उनको देखेंगे भी। ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट बना दिया। अब मेरा विचार तो यही है कि दिल्ली से महीने में एक हफ्ता मैं सिलीगुड़ी रहूँगी और इस प्रोजेक्ट को पर्सनली मैं देखूँगी। मैं दिल्ली में भी इस तरह के प्रोजेक्ट चलाती हूँ और बॉम्बे से भी जुड़ी हुई हूँ, तो इस तरह के प्रोजेक्ट मैंने, चूँकि हमारे परिवार में ही किसी को ज़रूरत थी, तो उस वक्त मैंने कई प्रोजेक्ट इस तरह के देखे और देख के मुझे लगा कि सचमुच ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इसमें जब काम करेंगे आप, अगर काम शुरू कर लेते हैं तो सैकड़ों हाथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म बनाने की और लोग तो फिर साथ में साथ आगे चलते चले जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा मैम, दिल्ली और बाकी अलग अलग जगहों पर भी आपने काम किए, कई सारे सेलिब्रिटी के साथ आपने काम किया है, उनके साथ कई सारे चैरिटी में भी आपने हिस्सा लिया है, ऐसे में दिल्ली में कई तरह के कार्य आपने किए, उसके बाद आज सिलीगुड़ी में भी आपने एक तरह से एक सेवा भाव से अब एक कार्य प्रोजेक्ट शुरू भी होने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता था कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत थी इस तरह की आवास की? जब भी मैं आती थी दो एक लोग तो मुझे इस तरह के मिल जाते थे कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत लाचार हूं, मेरे लिए कोई उपाय करके दो ना। अब समझ नहीं आता था कि क्या करूं। इतने में कुंभट जी और संपत जी से बात हुई और मुझे लगा मेरा मकसद मिल गया, मेरा ठिकाना मिल गया, और हम चूँकि हम तीनों की सोच एक ही है तब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और 16 फरवरी के लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ, आप लोग आइए, हम भूमि पूजन करेंगे और देखिए इस प्रोजेक्ट को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका साथ बहुत ज़रूरी है, हमने तो एक स्केच बनाया है, कलर तो आप लोग सभी भरेंगे, औरों को लेके आएंगे, तभी ये पेंटिंग खूबसूरत बनेगी। और हमारे बुज़ुर्ग जब यहाँ आके हंसेंगे तब हम मानेंगे हम सक्सेस हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सुलोचना मैम जी, आप हमारे साथ जुड़े थे और आपने एक अच्छा कार्य करे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऐसे कार्य और आगे आप बढ़ाते रहें। तो दर्शकों, हमारे साथ सुलोचना मैम जुड़ी थी और उन्होंने जो जानकारियां दी आप सभी को मिला, और कई तरह की जानकारियां जो है आप अक्सर आके इकट्ठा कर सकते हैं, और आप जब भी चाहें एक बार इस जो मातृछाया है यहाँ पर आए और यहाँ के आके यहाँ की जो वातावरण है उसको देखें, और जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो क्या वातावरण है, किस तरह से लोग इन्जॉय कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, और आगे और आगामी दिनों में वृद्ध लोग भी जो है वो यहाँ पर आएंगे और इस जगह का आनंद उठा पाएंगे और अपने जीवन को उन्हें व्यर्थ ना लगते हुए वो अपनी ज़िंदगी ऊपर आत्मविश्वास और सम्मान के साथ इसी जगह पर वो जीते देखते पाएंगे। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह खबर आजकल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर।